हेलो फ्रेंड, मैं सरिता आपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। ये हम आलू और सोहजन की रेसिपी बनाने वाले हैं और एकदम मछली वाला स्वाद आएगा। ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये सोहजन लिया है, देखिए इसे सोहजन कहते हैं। इसे अच्छे से मैंने, इसका रेशा बहुत ज्यादा होता है तो रेशा अच्छे से हमने निकाल लिया है। साथ ही आलू, ये कच्चे आलू है, इसे अच्छे से वॉश करके इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। मसाले में हमने लिया है, देखिए ये मिर्च, धनिया और साथ ही गरम मसाला। इसके साथ ही हमने देखिए अदरक और लहसुन ले लिया है। इसका पेस्ट हम बनाने वाले हैं सरसों से, इसलिए मैंने पीली सरसों का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं हम। तो पीली सरसों मैंने 2 चम्मच ले लिया है, साथ ही हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और पीली सरसों में ही ये जीरा और 4 से 5 है काली मिर्च, गोल मिर्च जिसे कहते हैं, इसे भी डाल के हम इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। फोरन में हम इस्तेमाल करने वाले जीरा, तेज पत्ता और ये 2 सूखी मिर्च है। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सरसों का हम पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है, ये पीली सरसों, लहसुन, अदरक, साथ में काली मिर्च और जीरा, ये सारा इसमें मिक्स है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अब इसे हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं और साथ ही इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से ये रेसिपी बहुत मजेदार बनती है। ये देखिए 2 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं पहले। ये देखिए तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा, ये तेज पत्ता और 2 सूखी मिर्च ये डाल देते हैं। अच्छे से इसे चटकने देंगे। इसके बाद जो ये हमने पेस्ट बनाया है सरसों का, ये पेस्ट इसमें डाल देंगे पहले। इस तरह से हम कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे। अगर किसी भी रेसिपी में आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हो तो सरसों को सबसे पहले भूनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरसों का अपना कसेला स्वाद होता है। इसे अगर अच्छे से हम भूनेंगे नहीं तो सब्जी का टेस्ट एकदम बिगड़ जाएगा, इसीलिए सबसे पहले सरसों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही देखिए इसमें हम मसाला जो हम इसमें देने वाले हैं वो डाल देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं देखिए धनिया, सब्जी मसाला और मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, सब्जी मसाला हम अभी नहीं डालेंगे, बस इसमें मिर्च और धनिया हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसके साथ ही देखिए 2 टमाटर है जिसे कि मैंने एकदम रफली काट लिया है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे ताकि मसाले के साथ अच्छे से ये भुनाता रहे, और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। ये देखिए बस इतना सा पानी 1 से 2 चम्मच डाल देने से मसाला तले में चिपकता नहीं है और मसाला भी बहुत अच्छे से भून जाता है, इसीलिए आप ये चीज करिएगा। और इस तरह से हम मिला लेंगे, इसे ढक देंगे ताकि टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, साले से तेल सबरेट हो चुका है, एकदम अच्छे से ये भून चुका है और टमाटर भी पक चुका है। इसे इस तरह से हम मैश कर देंगे टमाटर को। इसके बाद इसमें हम सब्जी डाल देंगे, सोहजन और आलू। साथ ही हमने इसमें हल्दी अब तक नहीं डाला था, हल्दी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला के हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे ताकि आलू और सोहजन में मसाले का कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए।
ये देखिए हमारा सब्जी भी एकदम अच्छे से भून चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी जितनी जरूरत हो उतनी ही आप डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा इसमें। इस तरह से मिला के इसे ढक देंगे हम, 4 से 5 मिनट ढक के इसे पकाएंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए और आलू और सोहजन अच्छे से पक जाए। ये देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है अच्छे से। अब इसमें हम सब्जी मसाला जो रखे थे वो डाल देंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ग्रेवी का थिकनेस आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं, वैसे इतना परफेक्ट है। गैस बंद करने से पहले हम आलू चेक कर लेंगे कि आलू अच्छे से पका है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से एकदम आलू पक चुका है। इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। इस तरह से धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड हमारी मजेदार सी रेसिपी बनके तैयार है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मजेदार लगती है। रोटी के साथ, चावल के साथ इसे आप सर्व कर सकते हो। ये मजेदार सी सब्जी की रेसिपी कर लेते हैं। गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए और इसका मजा लीजिए। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।